नगर पालिका बागेश्वर ने नगर के सैम मंदिर वार्ड को कूड़ा निस्तारण के मामले में आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया है। प्रभारी सफाई निरीक्षक रजत कुमार ने बताया कि सैम मंदिर वार्ड में 294 परिवार निवास करते हैं। सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए डोर टू डोर महिलाओं को तैनात किया गया है। गीले कूड़े की खाद बनाकर परिवारों द्वारा निस्तारित किया जाता है। नगर पालिका ने अन्य वार्डों से भी सैम मंदिर वार्ड के नागरिकों से सीख लेने की अपील की। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद बागेश्वर के अंतर्गत जो हमारा सैम मंदिर वार्ड है, सैम मंदिर वार्ड में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने सखी स्वायत्त सहकारिता समिति को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है उसमें 3 महिलाएं यहां पे लगाई हुई हैं और वो 3 महिलाएं 294 परिवारों को कवर करती हैं, जो कि घर घर से केवल सूखा कूड़ा उठाती हैं। गीला कूड़ा यहाँ के जो जितने भी परिवार हैं वो सब जैविक खाद बनाते हैं तथा जो भी सब्जी के छिलके इत्यादि होते हैं वो गायों को जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती का कार्य भी ज़्यादातर लोग करते हैं। और साथ ही ये वार्ड हमारा, जैसे कि शासन का निर्देश था कि जिस वार्ड से जीरो वेस्ट गीला कूड़ा निकलता है वो और नहीं निकलता है, तो उस वार्ड से को आत्मनिर्भर वार्ड बनाया जाए, और उसी के आधार पर हमने इस वार्ड का चयन किया है कि ये हमारा पूरा आत्मनिर्भर वार्ड है, क्योंकि इस वार्ड से हमारा गीला कूड़ा लगभग शून्य की मात्रा में निकलता है, नहीं निकलता है, और पूरे जो है सूखा कूड़ा ही यहाँ से महिलाएं उठाती हैं और जो कि रोज रेगुलर उठाती हैं और जो कि बहुत अच्छा कार्य करती है। मेटेरियल जो होता है उससे मैं ये अपने खेती बाड़ी के लिए जो है खाद बनाता हूँ, और जो भी जो हरे पत्ते होते हैं ये है खेत का वेस्ट मटेरियल जाता है, वो उससे एक कंपोस्ट बना रखा है, मैंने गड्ढा बना रखा है, सब उसमें उसको डालता हूँ। आप देख रहे थे बागेश्वर के दिनभर की प्रमुख खबरें सीसीएन के साथ। सीसीएन न्यूज चैनल को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।